और एक सूझबूझ के साथ आपने सदन को चलाया, हम सबका मार्गदर्शन किया, इसके लिए भी मैं आपका आभारी हूं। आदरणीय सभापति जी, इस 5 वर्ष में इस सदी का सबसे बड़ा संकट पूरी मानव जात ने झेला, कौन बचेगा कौन बच पाएगा, कोई किसी को बचा सकता है कि नहीं बचा सकता, ऐसी वो अवस्था थी। ऐसे में सदन में आना, ये भी अपना घर छोड़ के निकलना, ये भी संकट का काल था। उसके बाद भी जो भी नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी, आपने उसको किया, देश के काम को रुकने नहीं दिया, सदन की गरिमा भी बनी रहे और देश के आवश्यक कामों को जो गति देनी चाहिए वो गति भी बनी रहे, और उस काम में सदन की जो भूमिका है वो रत्ती भर भी पीछे न रहे, इसको आपने बड़ी कुशलता के साथ संभाला और दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में आदरणीय सभापति जी, मैं माननीय सांसदों का भी इस बात के लिए आज एक बार आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उस कालखंड में देश की आवश्यकताओं को देखते हुए सांसद निधि छोड़ने का प्रस्ताव माननीय सांसदों के सामने रखा और एक पल के विलंब के बिना सभी मान्य सांसदों ने सांसद निधि से मुक्त, इतना ही नहीं एक देशवासियों को पॉजिटिव मैसेज देने के लिए अपने आचरण से समाज को एक विश्वास देने के लिए सांसदों ने अपनी सैलरी में से 30% कटौती का निर्णय सबने खुद ने किया, ताकि देश को भी विश्वास हुआ कि ये सबसे पहले छोड़ने वाले लोग हैं। और आदरणीय सभापति जी, हम सभी सांसद बिना कारण साल में 2 बार हिंदुस्तान के मीडिया के किसी न किसी कोने में गाली खाते रहते थे कि ये सांसदों को इतना मिलता है और कैंटीन में इतने में खाते हैं, बाहर इतने में मिलता है, कैंटीन में इतने में मिलता है, बाहर यानी पता नहीं बाहर लौट लिए जाते थे। आपने निर्णय किया सबके लिए समान रेट होंगे कैंटीन में, और सांसदों ने कभी भी विरोध नहीं किया, शिकायत भी नहीं की, और सभी सांसदों की बिना कारण इतनी फजेत करने वाले लोग मजे लेते थे, उससे हम सबको आपने बचा लिया, इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, ये बात सही है कि हमारे कई लोकसभा के, चाहे 17वीं हो, 16वीं हो, 15वीं हो, संसद का नया भवन होना चाहिए, इसकी चर्चा सबने की, सामूहिक रूप से की, एक स्वर से की, लेकिन निर्णय नहीं होता था। ये आपका नेतृत्व है जिसने निर्णय किया, चीजों को आगे बढ़ाया, सरकार के साथ अनेक मीटिंगें की, और उसी का परिणाम है कि आज देश को ये नया संसद भवन प्राप्त हुआ है। आदरणीय सभापति जी, एक संसद के नए भवन में एक विरासत का अंश
और जो आजादी की पहली पल थी उसको जीवंत रखने का हमेशा हमेशा हमारे मार्गदर्शक रूप में ये सेंगोल को यहाँ स्थापित करने का काम। और अब प्रतिवर्ष उसको सेरेमोनियल इवेंट के रूप में उसको हिस्सा बनाने का एक बहुत बड़ा काम आपके नेतृत्व में हुआ है, जो भारत की आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा हमें आज़ादी के उस प्रथम पल के साथ जोड़ के रखेगा। और आज़ादी की वो पल क्यों थी हमें वो याद रहेगा तो देश को आगे ले जाने की वो प्रेरणा भी बनी रहेगी। उस पवित्र काम को आपने किया है आदरणीय सभापति जी। ये भी सही है कि इस कालखंड में G20 की अध्यक्षता का भारत को मिली, भारत को बहुत सम्मान मिला। देश के हर राज्य ने अपने अपने तरीके से विश्व के सामने भारत का सामर्थ्य और अपने राज्य की पहचान बखूबी प्रस्तुत की, जिसका प्रभाव आज भी विश्व के मन पर है। उसके साथ आपके नेतृत्व में G20 की तरह P20 का जो सम्मेलन हुआ और विश्व के अनेक देशों के स्पीकर्स यहाँ आए और मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत किस महान परंपरा को लेकर के, किस डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेकर के सदियों से हम आगे बढ़े हैं। व्यवस्थाएं बदली होगी लेकिन डेमोक्रेटिक मन भारत का हमेशा बना रहा है, उस बात को आपने विश्व के स्पीकर्स के सामने बखूबी प्रस्तुत की और भारत को लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भी एक प्रतिष्ठा प्राप्त कराने का काम आपके नेतृत्व में हुआ। आदरणीय सभापति जी, मैं एक बात के लिए आपका विशेष अभिनंदन करना चाहता हूं। शायद हमारे सभी माननीय सांसदों का और मीडिया का भी उस तरफ ध्यान नहीं गया है। हम संविधान सदन जिसको कहते हैं, जो पुरानी संसद जिसमें महापुरुषों के जन्म जयंती निमित्त उनकी प्रतिमा को पुष्प चढ़ाने के लिए हम लोग एकत्र आते हैं, लेकिन वो एक 10 मिनट का इवेंट होता था और चले जाते थे। आपने देश भर में इन महापुरुषों के लिए वक्तृत्व स्पर्धा, निबंध स्पर्धा का एक अभियान चलाया। उसमें से जो बेस्ट ऑरेटर होते थे और बेस्ट एसेज होते थे, हर राज्य से दो दो बालक उस दिन दिल्ली आते थे और उस महापुरुष की जन्म जयंती के समय, पुष्प वर्षा के समय वो मौजूद रहते थे देश के नेताओं को, और बाद में वो पूरा दिन भर रह करके उस पर अपना व्याख्यान देते थे। वे दिल्ली के अन्य स्थान पर जाते थे, वो सांसद की गतिविधियों को समझते थे। यानी अपने ये निरंतर प्रक्रिया चला करके देश के लाखों विद्यार्थियों को भारत की संसदीय परंपरा से जोड़ने का बहुत बड़ा काम किया। और ये परंपरा ये आपके खाते में रहेगी और आने वाले समय में हर कोई बड़े गौरव के साथ इस परंपरा को आगे बढ़ाएगा। मैं इसके लिए भी आपका अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, संसद की लाइब्रेरी जिसको उपयोग करना चाहिए वो कितना कर पाते थे वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपने उसके दरवाजे सामान्य व्यक्ति के लिए खोल दिए। ज्ञान का ये खजाना, परंपराओं की विरासत, उसको आपने जन सामान्य के लिए खोल करके बहुत बड़ी सेवा की है। मैं इसके लिए भी आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। पेपरलेस पार्लियामेंट, डिजिटलाइजेशन, आपने आधुनिक टेक्नोलॉजी हमारी व्यवस्था में कैसे बने, शुरू में कुछ साथियों को दिक्कत रही लेकिन अब सब इसके आदि हो गए हैं। सब मैं देखता हूं
जब यहाँ बैठे हैं तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम आपने किया है। ये एक स्थायी व्यवस्थाएं आपने निर्माण की है, मैं इसके लिए आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी कुशलता और माननीय सांसदों की जागरूकता, उन सबका संयुक्त प्रयास मैं कह सकता हूँ कि जिसके कारण 17वीं लोकसभा की प्रोडक्टिविटी करीब करीब 97% रही है। प्रोडक्टिविटी अपने आप में प्रसन्नता का विषय है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आज जब 17वीं लोकसभा की हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, तब एक संकल्प लेकर के 18वीं लोकसभा प्रारंभ होगी कि हम हमेशा 100% से ज्यादा प्रोडक्टिव वाली हमारी कार्यवाही